हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट दो टूल्स जिसका हमें SEO में बार बार इस्तेमाल करना होता है, इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है SEO में, मैं आपको उन दोनों टूल्स के बारे में बताऊंगा और उनका हमें किस तरह से फ़ायदा हो सकता है और हम उन्हें किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ सारा कुछ। तो मैं आज दो टूल्स, एक गूगल ट्रेंड और दूसरा SEO स्मार्ट टूल, इसके बारे में बताऊंगा इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं SEO में। तो मैं अभी आपको बताता हूँ SEO स्मार्ट टूल इसका नाम है, अगर इसको आप गूगल पे SEO SEO स्मार्ट टूल्स करके सर्च करेंगे तो ये पहला ही लिंक, ये वाला, ये आपके सामने इसका, ये जो नीचे नज़र आ रहा है ये इसका परमा लिंक है, smallseotools.com। तो इसके ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने ये टूल ओपन हो गया। ये फ्री है, इसके ऊपर आप अकाउंट भी बना सकते हैं और बगैर अकाउंट बनाए भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं SEO के अंदर, जो बंदा SEO कर रहा है या अभी करना चाह रहा है, मतलब SEO के रिलेटेड ही नहीं, इसके दूसरे भी इस्तेमाल है। कोई बंदा कंटेंट लिखता है, प्रेजेंटेशन बनाता है, कुछ भी लिखता है, उसका प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं, आर्टिकल रीराइटर की इसमें एक ऑप्शन है, वर्ड काउंटर, ग्रामर चेक, स्पेल चेकर, अपर केस टू लोअर केस, वर्ड कंबाइनर, ये सारे इसमें ऑप्शंस हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इमेज एडिटिंग, इसमें आप इमेज को भी एडिट कर सकते हैं, इमेज कंप्रेस कर सकते हैं, इमेज का अगर बहुत बड़ा साइज़ है, जिस तरह हमें SEO फ्रेंडली जो हम इमेजेस यूज़ करते हैं, जो पिक्स यूज़ करते हैं, उनका हम साइज़ कम करते हैं, KBs में होता है, 100 KB से भी कम होता है उसका साइज़, तो आप इस तरह यहाँ पे इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं, फेविकॉन जनरेट कर सकते हैं। फेविकॉन क्या होता है? फेविकॉन एक आइकॉन होता है जो कोई भी वेबसाइट इस्तेमाल करती है, जिस तरह यूट्यूब का ये वाला है, ये जो रेड वाला बटन होता है हमें नज़र आता है, ये यूट्यूब का फेविकॉन है और SEO स्मार्ट टूल का ये वाला है, तो इसको, इससे हम वो भी जनरेट कर सकते हैं। तो इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, कीवर्ड टूल है, कीवर्ड की पोजीशनिंग चेक कर सकते हैं, कीवर्ड डेंसिटी चेकर भी है इसमें, कीवर्ड सजेशन टूल भी है, कीवर्ड रिसर्च टूल भी है, इसी तरह काफ़ी ये इम्पोर्टेंट और इस्तेमाल करने वाला टूल है, ख़ासकर SEO के लोगों को तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और बैकलिंक टूल्स, इसमें बैकलिंक मेकर, वेबसाइट लिंक काउंट चेकर, ये सारे टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वेबसाइट मैनेजमेंट टूल्स। तो अभी मैं ये, आप इसको जब आएँ इसके ऊपर तो आप इसको डिस्कवर कर लीजिए, मैं भी आपको इसका सिंपल सा एक, जिस तरह प्लेजरिज्म चेक है, ये तो हर बंदे को करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन कर लिखें तो फिर भी प्रेजेंटेशन लिखने के बाद भी हम उसका प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं, कंटेंट लिखें अगर हम SEO के रिलेटेड किसी वेबसाइट का, तो उसका प्लेजरिज्म चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पे आके जो आपने लिखा होगा, अभी मैंने एक डायनेमिक, मेरे सामने एक नोट्स थे, मैंने उनसे एक कॉपी किया है कुछ थोड़ा सा कॉन्टेंट, मैं अभी उनको अभी आपको दिखाता हूँ, उसको यहाँ पेस्ट करना है और नीचे इस ऑप्शन में जाके आप चेक प्लेजरिज्म कर सकते हैं और ग्रामर भी चेक कर सकते हैं। तो अभी ये हमें ये रिपोर्ट शो करवा देगा कि इसमें प्लेजरिज्म कितना है, ये देखें, ये चेकिंग हो रही है अभी, यहाँ पे देखें चेकिंग हो रही थी, ये 40% प्लेजरिज्म है और 60% यूनिक है। तो अगर ये आपका कंटेंट अपना होगा तो ये प्लेजरिज्म नहीं होगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ मेरा खुद का लिखा हुआ कंटेंट जिसमें मैंने ये SEO के नोट्स बनाए, मैं आपको उसको कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ कि वो, उसमें आपको भी नज़र आएगा कि उसमें 0% होगा प्लेजरिज्म, बहुत कम होगा,
इसी तरह इसके बाकी जो ऑप्शन हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं। ये देखें अभी चेकिंग हो रही है, ये देखिए 100% चेक, प्लेजरिज्म 0% और यूनिक है ये 100%, मतलब इसमें कुछ भी प्लेजरिज्म नहीं है। और इसके इसको आप जब आएंगे इसके ऊपर इसको विज़िट करेंगे जब आप, तो आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो और भी इसके कई फीचर्स हैं जिनको आप डिस्कवर कर सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जब इमेज कंप्रेस कर सकते हैं, इमेज एडिट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, एसईओ के रिलेटेड सारे काम इसमें हो जाते हैं। तो अभी एक दूसरा टूल जिसको हम कंटेंट राइटिंग में भी उसको भी इस्तेमाल करते हैं, उससे हम ट्रेंडिंग सर्चेस का पता लगाते हैं, वो गूगल ट्रेंड सॉफ्टवेयर है, गूगल ट्रेंड्स सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ, सॉरी ये गूगल की प्रोडक्ट है, ऑनलाइन ही है ये ऑनलाइन। इसको भी आप बगैर अकाउंट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर अकाउंट होगा तो भी हो सकता है। तो वैसे बेहतर अगर आप इसमें लॉगिन कर लें, तो अगर ये देखें यहाँ पे आप सर्च कर रहे हैं, तो इसमें हम ट्रेंडिंग सर्चेस को करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, या ऑल ओवर द वर्ल्ड को टारगेट करके हम इसमें अपने कीवर्ड सर्च करते हैं, अपनी क्यूरी सर्च करते हैं, फिर उनमें से जो ज़्यादा ट्रेंडिंग होता है उसको हम अपने कंटेंट में या जहाँ पे भी हमें उसे इस्तेमाल करना होता है वहाँ पर उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह अगर हम ये करें कीवर्ड प्लानर, ये देखें ये हमें इसका ये ग्राफ हमें शो करवा रहा है किसके अंदर इतनी सर्चेज हुई हैं। ये देखें मई 19 से 25 तक, ये देखें इसमें कितनी सर्चेज आई हैं और ये कैसे इसका ग्राफ ऊपर नीचे होता गया। तो नीचे आपको देखें ये इसमें मैं बाई डिफ़ॉल्ट अमेरिकन और यूनाइटेड स्टेट है, ये तो देखें सबसे ज़्यादा इसको सर्चेज कहाँ से हुई है यूनाइटेड स्टेट के, ये देखें ये सारा उन्होंने उनकी स्टेट्स या जो उनकी सिटीज़ हैं जिस तरह भी है उनका ये एप्लीकेशन वाइज उन्होंने हमें ये शो करवा दिया है कि जहाँ से इसको सबसे ज़्यादा सर्चेज हुई हैं। अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान कर लें या कोई भी कंट्री जहाँ का आप ये ट्रेंडिंग सर्च करना चाह रहे हैं, अगर हम इसे कि वहाँ पे क्या ट्रेंडिंग चल रही है, वहाँ पे क्या ट्रेंड चल रही है, तो ये देखें पाकिस्तान में से इसकी सर्चेज का ग्राफ ऐसे है। और ये देखें सबसे ज़्यादा इसे पंजाब में सर्च किया गया इस लफ्ज़ को। अच्छा इसमें एक और भी चीज़ है बड़ी मज़े कि हम दो कीवर्ड्स को, दो क्यूरीज को कंपेयर कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपको ये डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि आपने कौन सी वाली क्यूरीज इस्तेमाल करोगे तो आपके आपके कंटेंट पे, पेज पे, ब्लॉगर पे ज़्यादा ट्रैफिक आ जाएगी या वो ज़्यादा ट्रेंडिंग है तो ज़्यादा बेहतर रहेगी आपके लिए। अगर हम यहाँ पर हमने कीवर्ड प्लानर किया तो अगर यहाँ पर हम गूगल कीवर्ड प्लानर करते हैं, ये देखिए इससे ये आपको इन दोनों में कंपैरिजन करके दिखा देगा। तो ये देखिए ये है कीवर्ड प्लानर के लिए ग्राफ, ये है गूगल कीवर्ड प्लानर के लिए ग्राफ। तो आप इसमें देखें कि कीवर्ड प्लानर को ज़्यादा ट्रेंडिंग है, ये कीवर्ड प्लानर जो कीवर्ड है ये ज़्यादा ट्रेंडिंग है। और अभी आप इसमें देखें कि ये कीवर्ड प्लानर के लिए, ये गूगल कीवर्ड प्लानर के लिए, ये आपको अलग अलग डॉट्स, एक ब्लू है एक रेड सा है, तो इससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी क्यूरी, कौन सा कीवर्ड ज़्यादा ट्रेंडिंग है। इसको आप ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी तरह से, जहाँ जिस जगह के लिहाज से, जिस लोकेशन के लिहाज से आप सर्च करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक आप इसको सर्च कर सकते हैं। ये देखो कि ये गूगल कीवर्ड प्लानर 100% कीवर्ड, ये रिलेटेड क्यूरीज़ हैं, ये हमें सजेस्ट भी करता है अगर हमने दो क्यूरीज़ वहाँ पे लगाई हैं या दो कीवर्ड्स लगाए हैं तो उसके रिलेटेड क्यूरीज़, कीवर्ड्स, क्यूरीज़ या कीवर्ड्स हमें सजेस्ट भी करता है कि इसके अलावा ये कीवर्ड्स भी हैं जो ट्रेंडिंग है तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह करके हम यहाँ से जब कोई कंटेंट लिखेंगे, कोई भी चीज़, तो उसमें हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स को, क्यूरीज़ को, कीवर्ड्स को इस तरह करके हम जज कर लेंगे कीवर्ड्स को,
ढूंढ लेंगे, फाइंड कर लेंगे, डिसाइड करना हमारे लिए फिर आसान हो जाएगा कि हम इनमें से क्या यूज़ करें। तो आज मैंने आपको इन्हीं दो टूल्स के बारे में बताना था, आप इनको ज़रूर विज़िट करें, इन टूल्स को चेक करें और इनकी हेल्प से आप कंटेंट लिखें, वेबसाइट का कंटेंट लिखें और जो भी आपका काम है करने वाला, जिसमें जिसके अंदर आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, आप वो इनकी हेल्प से करें। इससे आपको ट्रेंडिंग टॉपिक, ट्रेंडिंग क्यूरीज़ का पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो ऑल इसी के बारे में थी। तो अगर ये आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।